गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। टुडे वी स्टडी अबाउट एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ बेसिकली इफ वी टॉकिंग अबाउट एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इट इज सेवन सेम सब्जेक्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। द न्यू सब्जेक्ट कोड इज 3170906। Our old subject code is 2170906. Okay, there is no vast difference between this two subject code or subject design or subject syllabus. Okay, almost same. So now यहाँ पे जो भी हम advanced power electronics पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए basically आपको पता होना चाहिए कि आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 और 2 करके सब्जेक्ट आता था। उसके बाद वो चेंज हो गया, अब वो 5th और 6th सेमेस्टर की जगह वो 4th सेमेस्टर में आ चुका है। और उसका PE1 और PE2 जो दोनों सब्जेक्ट हैं, उसका कंबाइंडली सिलेबस हो गया है 4th सेमेस्टर में। ओके, तो यहाँ पे ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 था, दोनों का कंबाइन सब्जेक्ट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो 4th सेमेस्टर में आ गया, उसके अंदर आपने इन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर, चॉपर एंड रेक्टिफायर पढ़ा होगा। अब वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा एडवांस वर्जन एडवांस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। ओके, सो ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, अगर बोलने के लिए जाते हैं तो काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है इफ़ योर बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर। ओके, नाउ यहाँ पर लेक्चर्स जो भी होंगे वो आपकी वीकली 3 लेक्चर्स होंगे। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो वो 2 आवर्स का है। ओके, हर एक वीक में आपका एक एक प्रैक्टिकल कवरअप होगा। ओके, बेसिकली काफ़ी ज़्यादा आपके मैटलैब के प्रैक्टिकल्स ही हम परफॉर्म करेंगे। नाउ If we talking about our syllabus, then the first chapter is switching voltage regulator, second chapter is a resonant converter, third chapter is multi-level converter, fourth chapter is multi-pulse converter, fifth chapter is HVDC transmission line, and sixth chapter is FACTS devices. Okay, now our फर्स्ट चैप्टर स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर। स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में इतना ही सब अभी की कंडीशन में सिर्फ इतना ही समझ लो कि उसके अंदर जो भी आप सर्किट पढ़ने वाले हो या जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने वाले हो, उसके अंदर स्विचिंग डिवाइसेस का यूज़ होगा। ओके, सो इन दैट सर्किट वी ओनली यूज़ दिस स्विचिंग डिवाइसेस। स्विचिंग डिवाइसेस में भी आपके काफ़ी सारे स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं, लाइक IGBT, MOSFET, डायोड, बहुत सारे हो गए, कोई सेमी कंडक्टर डिवाइसेस इनडायरेक्टली बोलने के लिए जाते हो तो। सो उसके बेसिस पे आपके स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर्स की कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। रेजोनेंस कन्वर्टर यानी क्या कि उसके अंदर लाइक रेजोनेंट कंडीशन कब आती है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आपके सर्किट में सेम हो जाते हैं तो उसको रेजोनेंट कंडीशन बोली जाती है। तो उसके बेसिस पे रेजोनेंट कन्वर्टर्स है, मल्टी लेवल कन्वर्टर है, मल्टी पल्स कन्वर्टर, दोनों क्या है एक दूसरे के कोरिलेट हैं। ओके, एक दूसरे के ऊपर क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन में जैसे आप बोलते हो ना, वो ऐसा है कि लाइक मल्टी लेवल कन्वर्टर में आपका क्या होगा कि AC आउटपुट होगा। अगर आप बेसिक्स उसका समझना चाहते हो तो हमारे घर पे काफ़ी सारे AC अप्लाइंसेस हैं। ओके, AC लोड है इनडायरेक्टली पावर सिस्टम के अंदर। अगर आप देखने के लिए चाहते हो तो 70-80% क्या होता है इंडक्टिव लोड होता है, AC लोड होता है, DC लोड इतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, तो जब बात आती है लोड के बारे में, जब AC लोड के बारे में बात आती है तो आप क्या सप्लाई करोगे, AC ही सप्लाई करोगे। अगर आप क्या करते हो कि कुछ कन्वर्टर के थ्रू आप उसका DC का AC में कन्वर्जन करते हो, तो उस टाइम आपको हार्मोनिक्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब
हर बार क्या होता है कि जब एसी में कन्वर्जन होता है या एसी सप्लाई जो आप कर रहे हो वो प्योरली एसी होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकल कंडीशन में जो भी आपका एसी सप्लाई होता है वो प्योरली साइनोसॉइडल नहीं होता, उसको फिल्टर के यूज से या काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से उसको एसी में कन्वर्ट किया जाता है। तो वन ऑफ द टेक्निक और वन ऑफ द कॉन्सेप्ट फॉर कन्वर्टिंग द एसी सप्लाई इंटू प्योरली एसी सप्लाई, प्योरली साइनोसॉइडल सप्लाई, ओके, वी कैन यूज ई मल्टी लेवल कन्वर्टर, ओके, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज सिंपल चैप्टर फॉर और एपी, ओके। आफ्टर फोर्थ चैप्टर इज मल्टीपल्स कन्वर्टर, इन दैट वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो भी हमारा डीसी सप्लाई होगा ना वो भी आपका क्या हुआ क्या होता है, प्योरली डीसी नहीं होता, उसको डीसी में, प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीपल्स कन्वर्टर का यूज़ होता है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन जो भी है उसके अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन्वर्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन हो गई, आफ्टर देन इंसुलेटर हो गया, जितना भी आपके कंपोनेंट एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में यूज हुए वो सारे के सारे कंपोनेंट हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है फैक्ट डिवाइसेस। फैक्ट डिवाइसेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इट इज वेरी बिग और वाइड चैप्टर ऑफ एपी। ये सबसे लंबा चैप्टर आपका होगा फैक्ट डिवाइसेस। फैक्ट्स का मतलब है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन लाइन। आप एसी ट्रांसमिशन लाइन को कैसे फ्लेक्सिबल करते हो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो आप यूज़ करने वाले हो, ओके, या एक्चुअल में कर रहे होगे, तो उसके बारे में हम फैक्ट डिवाइसेस के अंदर पढ़ेंगे। तो ये है आपका एपी का सिलेबस, ओके ना। Now we move forward to the first chapter, switching voltage regulator. This is our first chapter, switching voltage regulator. Now, अगर हम introduction के बारे में देखेंगे तो लीनियर रेगुलेटर के बारे में हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम स्विचिंग रेगुलेटर के बारे में समझेंगे। लीनियर रेगुलेटर से हमें क्या पता चलता है, उसके नेम से क्या पता चलता है कि लीनियर रेगुलेटर जो भी होगा उसमें लीनियर कंपोनेंट यूज़ होंगे फॉर रेगुलेटिंग द आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट सिग्नल। ध्यान से समझना, लीनियर रेगुलेटर जो भी है उसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है, लीनियर कंपोनेंट यूज़ करना है। कैसे, लाइक उसका एग्जांपल क्या है, रेजिस्टिव लोड या रेजिस्टर जो भी होता है वो क्या है, लीनियर आपका कंपोनेंट है, ओके, उसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, आउटपुट को रेगुलेट करेंगे। इसके लिए उसको इसीलिए लीनियर रेगुलेटर बोला जाता है। स्विचिंग रेगुलेटर क्या है कि अ स्विचिंग रेगुलेटर इज वोल्टेज रेगुलेटर दैट यूजेस द स्विचिंग एलिमेंट टू ट्रांसफॉर्म द इनकमिंग पावर सप्लाई इनटू पल्स वोल्टेज विच इज देन स्मूथ यूजिंग कैपेसिटर इंडक्टर एंड अदर एलिमेंट। पता चला कि स्विचिंग रेगुलेटर में बेसिकली होगा क्या कि आप कोई स्विचिंग एलिमेंट यूज करोगे लाइक BJT, MOSFET, IGBT, SCR, whatever. But it is must be what your semiconductor devices. उससे होगा क्या कि आपका जो भी इनपुट वोल्टेज है वो पल्स के अंदर कन्वर्जन हो जाएगा। अब पल्स क्या होगा, वो मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, मल्टी लेवल भी हो सकता है, ओके, अब वो कन्वर्जन तो हो गया, ओके, सॉरी मल्टीपल्स ही आपका होगा, मल्टी लेवल नहीं होगा, मल्टीपल्स ही होगा। तो वो आपका पल्स के अंदर कन्वर्जन तो हो गया, लेकिन वो तो आप डायरेक्टली क्या नहीं दे सकते, लोड को नहीं दे सकते ना, तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि आपको
अगेन उसको स्मूथ करवाने के लिए, प्योर डीसी के अंदर कन्वर्जन करवाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको फिल्टर यूज़ करने पड़ेंगे, PWM टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर कोई अदर एलिमेंट कैपेसिटर इंडक्टर जो भी हैं वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। नाउ इफ वी कैन इफ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस लीनियर रेगुलेटर एंड स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन, वी कैन सी दैट इन आवर फर्स्ट फिगर द फिगर इज लीनियर रेगुलेटर, इन दैट इनपुट वोल्टेज इज डीसी वोल्टेज, load is something resistive load or other load, okay, and there's variable resistance between input and output, okay. यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम rheostat use करेंगे या variable resistor जिसको बोला जाता है उसको use करेंगे, और एक control circuit की use से हम उतना resistor को vary करेंगे कि हमें desired voltage मिल सके, डिजायरेबल सिग्नल हमें मिल सके, तो उसको लीनियर रेगुलेटर बोला जाता है। बट स्विचिंग रेगुलेटर के अंदर आपका क्या होता है कि स्विच यूज होता है, ओके, और वहाँ पे आपको लोड साइड आपको करंट को अगर स्मूथ करना है तो इंडक्टर यूज़ करना पड़ेगा, अगर आपको वोल्टेज को स्मूथ करना है लोड साइड तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको कैपेसिटर यूज़ करना पड़ेगा, ये तो सब लोगों को पता होगा, ठीक है। और स्विच को कंट्रोल करवाने के लिए कंट्रोल सर्किट यूज़ होगी, ठीक है। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर या लीनियर रेगुलेटर एंड स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर या स्विचिंग रेगुलेटर। अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कन्वर्टर, ओके, स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और उसके अंदर हमने ये देखा कि हमें मल्टीपल्स मिलेंगे, या क्या मिलेगा, इनपुट जो भी आप सप्लाई करोगे उसका पल्स के अंदर कन्वर्शन का, पल्स यानी क्या, डीसी, ठीक है। इसलिए मैंने जो गलती से बोला था कि मल्टीपल्स या मल्टी लेवल, मैंने कहा ऐसा नहीं है, सिर्फ क्या मिलेगा आपको, मल्टीपल्स मिलेगा, ठीक। अब उसको मल्टीपल्स को प्योरली जो भी डीसी है उसको कन्वर्जन करवाने के लिए हमने क्या किया, स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के अंदर इंडक्टर एंड कैपेसिटर लगा दिया। तो उस बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं कि उसके कुछ ना कुछ टाइप्स हैं वो देख रहे हैं, बूस्ट कन्वर्टर, बक कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर, हाफ एंड फुल ब्रिज कन्वर्टर या कॉन्फ़िगरेशन, पुश पुल कन्वर्टर, कप कन्वर्टर एंड सैबी कन्वर्टर। ये क्या है आपके पर्टिकुलर स्विचिंग वोल्टेज रेगुलेटर के क्या है टाइप्स, तो वो हम एक एक करके हर एक जो भी कन्वर्टर है वो हम पढ़ेंगे, बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच।